बहुत ही सुंदर कहानी। एक राज में एक राजा रहता था। उस राजा को बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा थी, पर पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों के सहयोग की बात बताई। सुझाव मिली कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने राज्य में ये बात फैलाई कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारे धन दिए जाएंगे। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में ज्यादा समय देता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम तो करता नहीं और हमारे किसी काम का भी नहीं। इससे राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देंगे। ऐसा ही किया गया, बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की पूरी तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बच्चे ने कहा, मुझे रेत का ढेर चाहिए। तो रेत भी आ गया। बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए, एक एक करके 3 रेत के ढेर को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहा कि अब जो करना है करो। ये सब देखकर तांत्रिक भी डर गया और बोला, ये तुमने क्या किया, पहले ये बताओ। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका ही कर्तव्य था, पर उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने पहली ढेरी को तोड़ दिया। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का था, उन्होंने भी मेरे माता पिता को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। तीसरा ढेरी राजा आपका था, क्योंकि राज्य के सभी इंसानों की रक्षा करना एक राजा का ही काम होता है, पर राजा ही मेरी बलि देना चाहते हैं तो ढेरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ मेरे सदगुरु और ईश्वर पर मुझे भरोसा है, इसलिए ये ढेरी मैंने छोड़ दिया। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चा बलि देने के बाद भी मिलेगा या नहीं, क्यों ना इसी बच्चे को अपना पुत्र बना लिया जाए, इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। इस कहानी का भावार्थ है कि जो ईश्वर और सतगुरु पर यकीन रखते हैं उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता।